हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कोस्टर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप जिस डिवाइस के द्वारा काइनमास्टर से वीडियो एडिट करोगे उसका ग्राफिक्स कैसा है एंड हार्डवेयर रिलेटेड एनालाइज कैसे करोगे। एंड वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आप कौन सा रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करोगे वो पता चलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो काइनमास्टर है वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया है। एंड दोस्तों, मैं एक प्रीमियम यूज़र हूँ। सो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हैं, सेटिंग यहाँ पर जाके आप सेट कर सकते हो। उसके बाद माय प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शो करेगा, क्रिएट न्यू, गेट प्रोजेक्ट्स, एस एस स्टोर, उसके बाद फॉलो कर सकते हो काइनमास्टर को। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड काइनमास्टर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। सो यहाँ पर अबाउट काइनमास्टर देखो दोस्तों, 5.0.3 लेटेस्ट वर्जन ऑफ काइनमास्टर है। सो बहुत ही अच्छा है, यूज़र इंटरफेस सब कुछ चेंज कर लिया गया। सो 5% डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन या फिर 4K सपोर्टेड शो कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो 4K सपोर्टेड सपोर्ट करता था, तो यहाँ पर चिपसेट एंड मॉडल, एंड्रॉयड वर्शन, पीक कोडेक, सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो डिवाइस का ग्राफिक्स अच्छा है, हार्डवेयर अच्छा है, तो यहाँ पर बिल्कुल 4K सपोर्ट कर लेगा। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ S6 लाइट सैमसंग का टैबलेट, उसका ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर रन एनालिसिस नाउ यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। मैं और एक बार यहाँ पर एनालाइज करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने सोचा कि 4K सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, नया वर्शन कैसा है। सो यहाँ पर रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक किया, देखो हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस इन प्रोसेस। सो प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। तो एक बात बोलना चाहता हूँ, आपका हैंडसेट के ऊपर है सब कुछ, आप कौन सा डिवाइस में कर रहे हो। इससे पहले मैं टैब S7 लिया था सैमसंग का, वो बहुत ही फालतू टैब है, उसका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है। मैं कंप्लेन किया था सैमसंग को, और भी कुछ चाइनीज़ टैबलेट होगा जिसमें इतना बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 4K सपोर्ट हट गया है। यहाँ से QHD फॉर्मेट अभी सपोर्ट कर रहा है एंड मैं फुल HD, QHD इसी फॉर्मेट में वीडियोज़ को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मॉडल्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ शो कर रहा है एंड यहाँ पर लेयर्स देखो, 3 लेयर्स सपोर्ट कर रहा है QHD का, 6 लेयर्स फुल HD का एंड 8 लेयर्स HD का। सो दोस्तों, 4K तो नहीं कर सकते एंड QHD अभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप रन एनालिसिस नाउ पे क्लिक करके अपना जो डिवाइस होगा उस डिवाइस का कैपेबिलिटी और हार्डवेयर रिलेटेड क्वेरी कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पर और भी एडवांस इंफॉर्मेशंस है, ऑप्शन यहाँ पर देखो, एडवांस्ड ऑप्शन बोला जाता है यहाँ पर। ये सब ऑप्शंस एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलता है, आप देखे होंगे, मतलब यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड ये ऑन करके और भी ऑप्शंस यहाँ पर जो भी है वो ऑन करके फिर से एनालाइज करोगे तो 4K फुल HD ये सपोर्ट करेगा, अगर नहीं ना करे तो। लेकिन ये आपका डिवाइस के ऊपर सब कुछ है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी एक्सपोर्ट में यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, QHD सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर तो 4K मैं नहीं कर सकता 4K एक्सपोर्ट, तो QHD फुल HD ये मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एंड HD वो कौन करता है अभी, तो ठीक है दोस्तों, ये फुल HD में मैं करना चाहता हूँ। एंड फ्रेम रेट देखो 30 पे सेट कर दिया। एंड बीट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फुल HD में करोगे तो ये बीट रेट 10 के ऊपर रखना, मैं 10 पे रखता हूँ, स्टैंडर्ड है। एंड बीट रेट जितना बढ़ाओगे, देखो ये जितना बढ़ाओगे बीट रेट उतना साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। सो दोस्तों, ये मैं स्टैंडर्ड में रखूँगा 10 के आसपास, 10.10, ओके ठीक है, MBPS में रखता हूँ। उसके बाद सेव करने से देखो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। सो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सेटिंग, इसी तरह से आप सेट कर सकते हो। सो आप इसी तरह से एक्सपोर्ट कर लेना एंड डिवाइस कैपेबिलिटी चेक कर लेना। सो ये वेरी गुड एप्लीकेशन है दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो टेक्निकलकोस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एवरीवन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद दोस्तों।